नमस्ते आदाब सस्री अकाल केमचो तुम्ही मजा माने कशे आहात तुम्ही मजेत ना हाउ आर यू ऑल फाइन। मैं हूँ शालिनी उबलीकर और मेरे चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करने जा रही हूँ इंग्लिश बाल भारती स्टैंडर्ड 2 के बच्चों के लिए। तो आज हम लोग सीखने वाले हैं 3.4 स्टोरी टाइम नीनाज ड्रीम। तो नीना नाम की एक बच्ची है, आप लोगों के जैसी ही छोटी सी प्यारी सी नाटी सी गोलू मोलू सी, तो आप लोगों के जैसी ही ये लड़की है। उसका नाम है नीना। तो भाई नीनाज ड्रीम यानि क्या, ऐसा नीना को सपना आया था, तो उसके ऊपर है ये लेसन। तो देखते हैं हम लोग 3.4 स्टोरी टाइम नीनाज ड्रीम। लिसन एंड रिपीट, सुनो और रिपीट करो। नीना वॉज अ लिटिल गर्ल, नीना एक छोटी सी लड़की थी। नीना वॉज अ लिटिल गर्ल, शी लिव्ड इन अ स्मॉल विलेज नियर देवियागार इन कोकन। ओके, तो कोकन में जो दिव्यागार नाम के नजदीक के एक छोटे से गांव में वो रहती थी। ओके, तो कोंकण का तो नाम आप लोगों ने सुना ही होगा, है ना? तो वहां पर वो रहती थी। हर पेरेंट्स वॉक्ड इन द फील्ड, तो उसके जो पेरेंट्स थे वो लोग कहां पर काम करते थे, खेत में काम करते थे। फील्ड यानी खेत। हर विलेज वॉज नियर द सी, तो देखो भाई कोकन जो है वो उसके बाजू में समंदर है, तो वो कहाँ पर रहती थी, समंदर के नजदीक उसका गांव था। हर विलेज वॉज नियर द सी यानी उसका जो गांव था वो समंदर के नजदीक था। हर ब्रदर वेंट टू द ग्रासलैंड टू ग्रेज देयर कैटल, तो उनके जानवरों को चराने के लिए उसका भाई उन्हें ग्रासलैंड लेकर गया था। ग्रासलैंड में क्यों लेकर गया वो, क्योंकि वहां पर ग्रास होती है हरी हरी, तो वहां पर वो लोग खाते हैं और उनका हेल्थ बहुत अच्छा होता है। ठीक है, द ओल्डर गर्ल फ्रॉम हर लेन वेंट टू ब्रिंग फायर वुड फ्रॉम द फॉरेस्ट। अभी जो वो लड़की थी वो कहाँ पर गई, जंगल में जो लकड़ियाँ होती है ना गिरी हुई, उन्हें जमा करने के लिए वो गई। क्यों, क्योंकि वो लोग चूल्हा जलाते हैं ना गांव में, तो मे बी चूल्हा जलाने के लिए हो सकता है, या फिर मे बी वो लोग रात को जो सिक्योरिटी लेते हैं उसके लिए भी लग सकता है। नीना सैट अंडर अ मैंगो ट्री एंड वॉच्ड द बर्ड्स बटरफ्लाइज एंड क्लाउड्स। अभी जो नीना थी वो एक मैंगो ट्री के नीचे जाकर बैठ गई और क्या देखने लगी, बर्ड्स यानी पंछी, बटरफ्लाइज यानी तितलियां, फुल पाखरू एंड क्लाउड्स और आसमान में जो बादल छाए हुए थे, तो वो बैठे बैठे उन सबको देख रही थी। शी टू वॉन्टेड टू फ्लाई लाइक देम, और उसे भी ऐसे मन हो रहा था कि मैं भी इनके जैसा उड़ू। तुम लोगों को भी ऐसे लगता है ना कभी कभी कि अरे हम लोगों को भी पंछी, अगर हम लोग को पंख होते तो हम लोग यहाँ जाते वहाँ जाते, है ना? तो इसी तरह से वो नीना को भी लग रहा था कि उसे उड़ना था, उनकी तरह ही आसमान में उड़ना था। When she saw fishes in the sea, she wanted to swim. जब उसने समंदर के अंदर फिश को देखा तो
उसे ऐसे लगा कि मैं अगर फिश होती तो मैं भी समंदर में, मैं काश इनके जैसी ही समंदर में तैर पाती, स्विम कर पाती. व्हेन शी सॉ द सी शी वॉन्टेड टू क्रॉस इट एंड सी वॉट इज देयर ऑन द अदर साइड. तो वो जो समंदर है ना, तुम लोगों ने देखा होगा ना जुहू बीच पे कितना बड़ा होता है, उसे तो भाई एंड ही नहीं होता. तो वो है ना, वो समंदर को क्रॉस करके उस पार जाना चाहती है और देखना चाहती है कि वहां पर क्या है. आफ्टर डिनर व्हेन एवरीवन स्लेप्ट इन इन द फ्रंट यार्ड शी सॉ द मून द स्टार्स एंड वॉन्टेड टू टच देम. अभी रात को खाना खाने की बात, डिनर डिनर यानी रात का खाना, इतना पता है ना तुम लोगों को. मॉर्निंग में जो हम लोग करते हैं उसे ब्रेकफास्ट कहते हैं, आफ्टरनून में जो हम लोग खाना खाते हैं उसे लंच कहते हैं, और रात को जब हम लोग सोने के पहले खाना खाते हैं उसे डिनर कहते हैं. ठीक है, भूलना मत कभी भी, कभी भी कोई भी बोलते समय, हाँ मुझे डिनर पे जाना है तो समझ जाना कि वो रात के खाने पे जा रहा है, मुझे लंच पे जाना है अगर कोई बोलता है तो समझ जाना कि वो दोपहर का खाना खाने के लिए जा रहा है. और ब्रेकफास्ट तो मॉर्निंग में ही होता है. ओके, तो जब वो लोग उनके आंगन में सोए तभी उसने क्या देखा, मून यानी चांद, स्टार्स यानी तारे, और वो उन्हें टच करना चाहती थी, छू कर देखना चाहती थी. व्हेन हर मदर हर्ड हर विशेस शी स्माइल एंड सेड गर्ल कैन नॉट डू ऑल दीज थिंग्स, गर्ल्स कैन नॉट डू ऑल दीज थिंग्स. अभी देखो, जैसे ही उसकी मम्मी को पता चला उसके विशेष के बारे में, तो उसकी मम्मी ने उसको क्या बोला कि लड़कियां ये सब नहीं कर सकती है. नीना फेल्ट टिल माई विशेस एवर कम ट्रू, फिर भी मेरे जो इच्छाएं है, विल माई विशेस एवर कम ट्रू, क्या मेरी इच्छाएं है वो कभी पूरी होगी, सच होगी. वन डे अ स्मार्ट लेडी केम टू देयर विलेज, एक दिन एक बहुत ही होशियार लेडी उनके गांव में आई. शी हैड अ बैग, उसके पास बैग था, सम बुक्स एंड अ पर्स ऑन हर शोल्डर, उसके हाथ में कुछ बुक्स थे और शोल्डर के ऊपर बैग था, पर्स था. नीना रेन टू हर एंड आस्क्ड, हु आर यू गोइंग टू लिव इन अवर विलेज, तुम कौन हो और क्या तुम हमारे गांव में रहने वाली हो. तो जब उस लेडी को उसने देखा, उसने पूछा, इंक्वायरी की कि भाई आप कौन हो और आप क्या हमारे विलेज में रहने वाले हो. द लेडी स्माइल्ड एंड सेड यस आई एम ऋतुजा, आई एम गोइंग टू लिव इन योर विलेज. उन्होंने कहा कि हाँ मैं ऋतुजा हूँ और मैं आप लोगों के विलेज में रहने वाली हूँ. वी आर गोइंग टू स्टार्ट एन एक्टिविटी सेंटर हियर फॉर द लिटिल गर्ल्स लाइक यू. तो हम लोग क्या करने वाले हैं, जिस तुम जैसे जो छोटे से बच्चे हैं उन लोगों के लिए हम लोग एक्टिविटी सेंटर यहाँ पर खोलने वाले हैं. आई ऑल्सो लिव्ड एंड वेंट टू स्कूल इन अ स्मॉल विलेज लाइक दिस. तो मैं भी जब छोटी थी तो मैं भी इस तरह से छोटे स्कूल में जाती थी पढ़ने के लिए. आई ऑल्सो लिव्ड एंड वेंट टू स्कूल इन अ स्मॉल विलेज, जब मैं छोटी थी तो मेरा भी एक स्मॉल विलेज था और मैं वहाँ पर ही जाकर पढ़ती थी. अभी हम कहाँ पर रहते है वो लोग, स्मॉल विलेज में रहते थे. नीना वॉज हैप्पी, शी फेल्ट ऋतुजा हैंड एंड लुक हर होम, ऋतुजाज हैंड
एंड लुक हर होम. नीना वॉज हैप्पी. ये सुनकर नीना बहुत खुश हो गई. शी हेल्ड ऋतुजाज हैंड. उसने ऋतुजा का हाथ पकड़ा. एंड टुक हर होम. और वो उसे अपने घर ले गई. शी ऑफर्ड हर सम टी एंड लड्डू. और ऋतुजा को उसने चाय और लड्डू ऑफर किए. ऋतुजा सेड थैंक यू नीना. आई एम अ पायलट. तो मैं कौन हूँ? पायलट. पायलट किसे कहते हैं बोलो? जो लोग एरोप्लेन चलाते हैं उन्हें पायलट कहते हैं. बट आई हैव लेफ्ट द जॉब. आई हैव लेफ्ट द जॉब. तो बहुत सारे बच्चों ने मुझे ये सवाल पूछा है कि मिस प्लेलिस्ट में जाकर किस तरह से हम लोग वीडियो सर्च कर सकते हैं, जरा प्लीज़ आप हमें बताइए. तो चलिए, मैंने इसके पहले भी दो तीन वीडियोज़ अपलोड किए हैं आप लोगों के लिए, लेकिन चलो और एक बार और सही. ओके, तो इस तरह से जब आप लोग आपका मोबाइल खोलते हैं तो ये सारे फीचर्स आपके सामने आ जाते हैं. तो इसमें जो YouTube है ना, इसे आपको करना है क्लिक. तो आप लोगों का जो YouTube का चैनल है वो चैनल खुलेगा. ओके, यस. तो जब ये चैनल खुलता है तो आप जाएंगे सर्च में. सर्च में जाने के बाद ये जो शालिनी हुबलीकर अगर ऑलरेडी लिखा हुआ है तो आप लोग डायरेक्ट टाइप कर सकते हैं, या फिर सर्च में जाइए, यहाँ पर टाइप करेंगे तो आप लोग को शालिनी हुबलीकर टाइप करेंगे तो मेरा चैनल जो है वो खुल जाएगा. ओके, फिर उसके बाद ये जो मेरा प्यारा सा छोटू सा फोटो दिखाई दे रहा है ना आप लोग को, गोल में उसे क्लिक करना है. क्लिक करने के बाद ये देखो मेरा पूरा चैनल खुल गया है. तो ये रहा, यहाँ पर है प्लेलिस्ट, है ना. तो ये प्लेलिस्ट के ऊपर आप क्लिक करोगे तो आप लोगों को मेरे सारे अपलोडेड वीडियोस दिख जाएंगे. हाँ, और ये ऐसे वगैरह, ऐसे फॉर्मल लेटर, इनफॉर्मल लेटर, कहानी लेखन, हिंदी, मराठी, इंग्लिश में मैंने ऑलरेडी यहाँ में अपलोड किया है. और मैंने ये अलग से ही एक प्लेलिस्ट में इसका एक खोला हुआ है ताकि आप लोग को ज़्यादा ढूंढना न पड़े. ओके, फिर देखो 10th स्टैंडर्ड, 9th स्टैंडर्ड, 4th स्टैंडर्ड, जिस किसी भी आप स्टैंडर्ड में हैं तो आप लोग उस स्टैंडर्ड को क्लिक कीजिए तो आपके जो सारे वीडियोस मैंने जो अपलोड किए हुए हैं, यानी अपलोडेड वीडियोस जो है वो आप लोगों को यहाँ पर दिख जाएंगे. ठीक है. और अगर आप चाहते हैं आपके फ्रेंड्स को वगैरह फॉरवर्ड करना मेरे चैनल को, तो ये जो है ना एरो, इसे क्लिक करेंगे तो आपका व्हाट्सअप, फेसबुक, ये सब खुल जाएगा. आप कैसे फॉरवर्ड करना चाहते हैं मेरे चैनल का लिंक अपने दोस्तों को, तो वो हिसाब से आप लोग क्लिक करेंगे तो आपको फॉरवर्ड का ऑप्शन आ जाएगा. ठीक है. तो जब आपको पीछे जाना है तो फिर बैक करते जाइए आप लोग. तो बैक जैसे जैसे करते जाएंगे तो आप लोगों को पीछे 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 वो होते जाएगा इस तरह से. ठीक है. तो हो गया कंप्लीट. तो आई होप आप लोग को प्लेलिस्ट अच्छे से अभी समझ में आ गया है. ओके, तो अभी कोई डाउट नहीं है आप लोगों को. तो आप लोगों को ऑल द बेस्ट.